डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार मात्र दिनचर्या में बदलाव करके भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें नियमित घूमना, व्यायाम करना, शक्कर एवं शक्कर युक्त पदार्थ, कुछ फल जैसे आम, अंगूर, केले, चीकू, सीताफल इत्यादि तथा व्यसन जैसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अधिक मात्रा में शराब बंद कर तनाव रहित जीवन एवं मेडिटेशन के द्वारा बगैर दवाई के भी डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। मैं आपको डायबिटीज़ में उपचार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ में उपचार में दिनचर्या में बदलाव के अलावा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, दिनचर्या में बदलाव के अलावा मुंह से ली जाने वाली औषधि जिन्हें OHA अथवा ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स भी कहते हैं एवं इंजेक्शन जिसे इंसुलिन कहते हैं से डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है। OHA में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं जो मरीज की स्थिति एवं दवाई की मात्रा की आवश्यकता अनुसार दी जाती है। इंसुलिन इंजेक्शन दो प्रकार का होता है, एक जिसको बेसल कहते हैं और दूसरा बोलस। यह भी मरीज को शुगर लेवल के अनुसार बेसल एवं बोलस दोनों प्रकार के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। साथ ही दवाइयाँ भी अलग अलग मरीजों को अलग अलग उनकी आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मधुमेह कितने प्रकार का होता है। तो इस तरह मधुमेह तीन प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है टाइप 1 अथवा जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, दूसरा टाइप 2 अथवा मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, एवं तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ अर्थात गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर बच्चों एवं युवावस्था में होती है, यह सिर्फ इंसुलिन से नियंत्रित की जा सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ युवावस्था एवं प्रौढ़ अवस्था में ही हो सकती है एवं इसका नियंत्रण दिनचर्या में बदलाव तथा ओरल मेडिसिन से किया जा सकता है, जिनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी कहते हैं। कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ में मरीजों को इंसुलिन इंजेक्शन की भी आवश्यकता होती है। मधुमेह में अगर नियंत्रण नहीं किया जाए तो कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। यह बीमारी शरीर में एक प्रकार से घुन की तरह फैलती है तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे आँख, गुर्दे, हार्ट, ब्रेन अथवा पैरों की नसों को अपना निशाना बना सकती है। मधुमेह अंधत्व का एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त गुर्दे खराब होना, ब्रेन स्ट्रोक अथवा लकवा, हार्ट अटैक अथवा हृदयाघात जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं एवं पैरों की नसों का सुन्न होना, पैरों में सड़न आ जाना अर्थात गैंग्रीन। इसके अतिरिक्त त्वचा रोग, नपुंसकता जिसको इम्पोटेंसी बोलते हैं इत्यादि भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से उत्पन्न हो सकते हैं। अतः महत्वपूर्ण है कि मधुमेह को नियंत्रित रखा जावे। क्या होता है तो जब रक्त में शर्करा की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाती है उस अवस्था को मधुमेह अथवा डायबिटीज़ कहते हैं। यानी फास्टिंग अवस्था में 110 से ऊपर एवं भोजन के 2 घंटे बाद 140 से ऊपर, इसमें एक अवस्था और होती है जब फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर एवं भोजन के 2 घंटे बाद 140 तक हो, उस अवस्था को इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज तथा जब फास्टिंग ग्लूकोज 110 से कम एवं भोजन के 2 घंटे पश्चात ब्लड शुगर 160 से ऊपर हो
उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस अथवा IGT कहते हैं। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एवं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज दोनों ही डायबिटीज़ के पूर्व की अवस्था हैं, जिसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इस अवस्था में खानपान पर नियंत्रण से मधुमेह अथवा डायबिटीज़ को होने से रोका जा सकता है।